फिर गिर रहा है, वो देखो वहां से गिर रहा है, गिर रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बज गए हैं। आई एम ऑल सेट, ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, कुछ खास बचा नहीं है, तो 7 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन आज ज़्यादा नहीं घूमेंगे, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। कल रात में भी मैं बहुत जल्दी सो गया, जैसा मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में बताया होगा। तो आज सिर्फ एक ही जगह जाने का प्लान है, वो तुरतुक, और तुरतुक के आगे एक छोटा सा अपना इंडियन पोस्ट है, बहुत छोटा सा, बड़ा सा इंडियन पोस्ट बोलेंगे क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर है। तो आज पाकिस्तान बॉर्डर के पास जा रहे हैं और वहाँ बाइक चलाएंगे, तो वहाँ से लौटेंगे, फिर मतलब जाना आगे है हमें पाकिस्तान बॉर्डर की ओर, और फिर उधर से वापस आना है, तो इसी जगह वापस लौट के आएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा आगे शायद बढ़ जाए या फिर यहीं कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि कल के लिए अपना, अगर आगे बढ़ जाते हैं तो कल के लिए थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा। कल पैंगोंगलिंग जाने का प्रोग्राम है, तो लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर, ये एक रफ प्लान है माइंड में, बट इट मे चेंज एज यूजुअल। लद्दाख आने के बाद सिर्फ प्लान पे काम करना तभी ठीक रहता है, व्हेन यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। तो मेरे पास अभी 6-7 दिन है, सो एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली क्लोज्ड। हानले नहीं जा सकता, हानले क्लोज्ड है, तो मेन उसमें मुझे 5-6 दिन चाहिए था, बट वो क्लोज्ड है तो उधर जाना ही नहीं है। तो एक पैंगोंग ही एरिया बचा है जो मुझे, मैं अब जा सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो आई एम स्टार्टिंग द डे नाउ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाए, प्लेलिस्ट पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है बैंगलोर टू लद्दाख करके, उस पर जाए, उस पर सारे वीडियोज़ मैं वहीं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे ऑब्वियसली, तो उसको देखें और बताएंगे कैसा लगा है, अगर कुछ चेंजेस करना चाहिए या कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए प्लीज़ बताएं, मैं वैसे ही मैं मेहनत करूँगा ताकि आपको पसंद आए। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मैं घूम रहा हूँ आपको दिखाऊँ, ताकि आप भी आसानी से वहाँ घूम सके, जितना प्रॉब्लम्स मुझे हो रहा है वो ना हो, और अपना प्लान आप उसी तरह से बना सकें, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं आज का सफ़र, होटल से निकल रहे हैं। जय माता दी, जय बजरंग बली। आज सूर्यदेव मेहरबान है, काफ़ी पहले सूर्योदय हो गया था। छोटा सा गांव है बिस्किट, बट काफ़ी शांति है यहाँ, बहुत ज़्यादा शांति रही है अभी तो मार्केट वगैरह भी खुली नहीं है। मैंने कल बताया था ये बिस्किट में लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके आगे तुरतुक तक या तुरतुक तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो पेट्रोल या डीजल जो भी लेना है यहाँ ले लें तभी जाएं, क्योंकि उसके अदरवाइज आप अटक जाएंगे। ये रहा सुबह का व्यू, कल जो आपने शाम में देखा था वो आप अभी सुबह में देखिए कितना डिफरेंट दिख रहा है। बादल हैं यहाँ अभी, फिर बारिश होगा क्या इंद्रदेव? और यही रास्ता हुंदर क्रॉस करते हुए चली जाएगी तुरतुक तक, और वहाँ से फिर एक कट है जो ले जाएगी हमें पाकिस्तान बॉर्डर। तो आज जा रहे हैं हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर राइड के लिए। क्या बात है, पाकिस्तान बॉर्डर। मैंने कल शाम में ही रिफिल करा लिया था, टैंक फुल कर लिया था, तो ज़्यादा मेरा कंजम्पशन हुआ नहीं था, अराउंड 5 लीटर्स, 4.5 to 5 लीटर्स, तो 108 रुपीज़ समथिंग यहाँ पर पेट्रोल प्राइस है। अगर वीडियो सही नहीं देख पाए होंगे तो ये देखिए सैंड ड्यून्स, सुंदर में जो फेमस है सैंड ड्यून्स, ये वही है, फिर से देख लीजिए। तो कल मैंने बताया नहीं आपको उस नदी के बारे में, थोड़ा मिस हो गया, तो वो है श्योक नदी, और जिसका लिटरल मीनिंग होता है डेथ। तो ये नदी एक्चुअली रिवो ग्लेशियर से आती है, तो इसका जो फ्लो है वो बिल्कुल कुछ इस तरह से ऐसे आती है, फिर ऐसे मुड़ जाती है और नुब्रा नदी में आगे मिल जाती है तुरतुक के पास। तो ये नदी रिवो ग्लेशियर से निकली और काफ़ी बड़ी है, 350 किलोमीटर के आसपास ही लंबी है, तो ऐसे आई, और अभी हम लोग इस जोन में, तो ये पीछे आई एम नॉट रॉन्ग श्योक गांव के पास ये ऐसे टर्न लेती है,
या इनफैक्ट अशोक से थोड़ा आगे ही है वो जगह, बट वहाँ से एक टर्न लेती है और उसके बाद इधर आती है, प्रतापपुर विलेज सियाचिन। गांव आया है प्रतापपुर करके। सर तुरतुक स्ट्रेट, थैंक यू। पहला नाला, धीरे धीरे चलना होगा, देखें कहाँ से आती है ये। भगवान पानी बहुत बढ़ गया, सुबह सुबह इतना पानी क्यों बढ़ गया, अच्छा धूप निकल गया। गिरे तो बाप को बचाने वाला भी नहीं है। अरे बाबा कैसे करें, सही में बहुत खड्डा है। तो रुकना, भगवान अरे बाबा अरे बाप भगवान बच गए। बाप पानी बहुत ठंडा था, ठंडे हो गए तुम। चलो भाई जय बजरंगबली, चल चल चल। ओह शिट, अरे बाबा रोड ही नहीं बचाएंगे था। नाला क्रॉस्ट भाई साहब, नदी के पास था ये नाला, माय गॉड। तो अच्छा हुआ ये लोग आ गए, वरना मेरा तो मूड बन रहा था पीछे जाने का, क्योंकि आदमी नहीं दिख रहा था, कुछ होता तो कोई मदद कहाँ से लेंगे। थैंक यू। तो इन लोगों ने मदद की और फाइनली मैं क्रॉस कर गया, थैंक गॉड। आगे रोड तो दिख रहा है, काफ़ी दूर तक रोड दिख रहा है, इसका मतलब आगे रोड है। भाई साहब सुबह सुबह ठंडा पानी, जूते फिर से गीले हो गए, आज कल सुखाया रात भर और आज फिर गीले हो गए। सेकंड नाला ऑफ द डे, ये तो उससे भी टफ दिख रहा है, ज्यादा फ्लो हो रहा है पानी इसमें। यार भगवान कितने नाला हैं इधर, ओह बाप रे बाप। फ्लो भी अच्छा है पानी का यहाँ पर, बट यहाँ पर रोड लग रहा है कि है। चलो निकालो 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 चलो निकालो। अरे बाबा निकल गया, ओह थैंक गॉड निकल गया, लेकिन पानी में पूरा पैर चला गया और पानी बहुत ठंडा था।
कसम ये ठंडा ठंडा पानी। बीस मिनट से चला जा रहा हूँ, ना कोई गाड़ी गई है ना कोई गाड़ी आई है, वीराना है, कोई इंसान नहीं दिख रहा है। बीच में एक गांव आया था, वहाँ इंसान दिखे थे, बट ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पहाड़ है, नदी है, पौधे हैं और अपन है। ओहो, और कबूतर भी है। थोड़ा ख़राब सा रोड मिला है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद यहाँ पे। ओ ओ ओ ओ ओ चल 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 बाबा, अरे बाबा, ओप्स ओप्सी डुप्सी। ओह वाओ, एक फोटो ले लिया जाए यहाँ पर। भगवान, अरे बाबा, पत्थर वत्थर सब गिर रहा है तुम। चल भाई चल चल चल, धीरे धीरे निकलता चल भाई। लैंडस्लाइड हुआ है, इसीलिए इन लोगों ने ये सफाई कर रहे हैं, बोला पीछे जाने को। तो समझदार बच्चे की तरह बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। तो भाई एक आदमी तो ऐसे ही देखता ही रहता होगा, कहाँ से क्या गिर रहा है, कब गिरा ये? रात को गिरा, रात को गिरा है, फिर गिर रहा है। देखो वहां से गिर रहा है, गिर रहा है। कैसे, क्या हवा हवा से गिरते रहता है क्या? है ना। अच्छा, वो गीला मिट्टी निकलता है। हाँ। अच्छा, और भी कहीं गिरा है आगे? हटा रहा है। जगह लैंडस्लाइड हो रखा है, सांगमार के पास रोड भी ख़राब है, देख रहे होंगे आप। तो सांगमार से आगे निकले हैं, रोड ख़राब है, थोड़ा ख़राब है अभी, और रेत गिरा हुआ काफ़ी, तो ज़रा सी गलती है। और
पानी में भी जा सकते हैं। क्या उफान है भाई पानी में, ये देखिए। कॉशन की बोर्ड लगी थी कि वीक ब्रिज वन व्हीकल एट अ टाइम। हाँ भूख तो लगा हो। थैंक यू। आप लोग साइकिल से जा रहे हैं? कहाँ से कहाँ? शुरू किए, तुरतुक जा रहे हैं। तुरतुक जा रहे हैं, वापस जाएंगे पेंगम सो से सो मुरीरी, फिर लेयर से फिर श्रीनगर। माय गॉड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम दोनों एक फोटो निकालेंगे। जरूर। आप कहाँ से? मैं बैंगलोर से आ रहा हूँ। सरोज, आपका नाम? सर संजय और सतीश। अरे क्या बात है, ट्रिपल एस हो गए हम लोग। यहीं रख देता हूँ। पोस्ट नाइन पे ये कैंटीन है। क्या खाना है? नहीं है ना ये जगह? हाँ पोस्ट नाइन। तो पोस्ट नाइन पुलिस चेक पोस्ट पे अपना क्या कहते हैं इसको, परमिट दिखा करके यहाँ पर भाइयों ने रोका और समोसा जलेबी खाने का आनंद लगता है मिलेगा आज। सरोज जी से मिलकर बहुत आनंद हुआ। हम मुंबई से हैं, साइकिल करके लेह से तुरतुक तक जा रहे हैं और बीच में सरोज जी मिले, उनको रोका हमने समोसा जलेबी खाने के लिए। धन्यवाद संजय। बेस्ट लक सरोज जी। अरे बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। पोस्ट नाइन पे दो लोगों ने मुझे रोका और बताया कि यहाँ का समोसा और यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन था, समोसा जलेबी चाय मिलता था और बोला बहुत टेस्टी है खा के जाओ। तो उनकी बात सुन करके, वो लोग साइकिल से निकले थे लेह से, तो उनकी बात सुन करके एक बार मन किया कि ट्राई करते हैं और ट्राई किया। एक्चुअली में समोसा बहुत टेस्टी थे, जलेबी भी बहुत टेस्टी था। तीन समोसे और एक प्लेट जलेबी खा गया और वैसे भी ब्रेकफास्ट के लिए कहीं ना कहीं तो रुकना ही था, तो सोचा यहीं खा लेते, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। और उनसे मिले, एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम संजय। मज़ा आ गया उनसे मिल करके। एंड लाइवली पर्सन, दे आर रिटायर्ड एंड दे आर डूइंग बाईसाइकिल, सॉरी दे आर डूइंग साइकिलिंग फ्रॉम ले टू एवरी प्लेस इन लद्दाख टू बी ऑनेस्ट। तो आज वो तुरतुक में रुकेंगे, अभी आगे मिलेंगे वो हमें। कौन सा जगह है भाई? बोगदांग है ये। थैंक यू। दोनों साथ में? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लौट जाते हैं तब देंगे, और लेके आते हैं उधर से। आने का टाइम दूंगा। बड़ी जबरदस्ती करते हैं। नहीं बच्चे, बच्चे तो क्या करें। हाँ बच्चे हैं, कुछ बोल भी नहीं सकता है। हाँ रास्ता बद से बदतर होता जा रहा है। बहुत खड्डे हैं, बहुत पत्थर गिरे हुए रास्ते में, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, अदरवाइज गिर जाएंगे। मुझे लगता है ऐसे ब्रिजेस को कहना चाहिए ब्रिज ऑफ होप। ये इनको कनेक्ट करता है ऐसे जहाँ से जरूरत के सारे सामान आ जाते हैं। ओह ये भी पूरा बहुत ही तगड़ा उफान है। पानी कम बहुत पुराना है, कार वगैरह सब चली जाती है।
कार वगैरह भी बिल्कुल आसानी से चली जाती है। बट आई थिंक नए ब्रिज का काम कहीं ना कहीं से चल ही रहा होगा, अदरवाइज ये बहुत पुराना हो गया है, लकड़ी है तो ख़राब भी हो रहा होगा। आसान तो बिल्कुल नहीं होगा।